Assalamualaikum, welcome to GFX Mentor. मैं आपका टीचर इमरान और आज एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी भाइयों का, बहनों का, सबका मसला हल करने आया हूँ कि सर इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में या प्रीमियर में उर्दू अगर लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। तो आज मैं आपको तमाम सॉफ्टवेयर में किस तरह से उर्दू सेट करनी है वो बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So, first of all, पहले तो ये दिमाग में बिठा लें कि भैया कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें उर्दू टाइप की जा सकती है। कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी होगी, एक तो अपनी विंडोज की, दूसरा अपने इस सॉफ्टवेयर की, जो भी हो, फिर इलस्ट्रेटर हो या फोटोशॉप हो या प्रीमियर हो। ये जरा देख लें, ये इस वक्त यहाँ उर्दू लिखी हुई है, ये लाहौर है। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये बाकायदा टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लाहौर को बादशाही मस्जिद कर देता हूँ। एक सेकेंड, ऑलराइट। सो यहाँ पर अब मैंने टेक्स्ट चेंज करके लिख दिया है कि जी ये बादशाही मस्जिद है। सो पहले ये आपका सिंपली लाहौर लिखा हुआ था और लेट्स डिक्रीज द फॉन्ट साइज। नाउ ये प्रीमियर हो गया। एंड सिमिलरली अगर हम आ जाएं तो आपका यहाँ पर ये इलस्ट्रेटर में लिखा हुआ है, मेरा नाम इमरान अली है, और ये सिंपली आपका यहाँ फोटोशॉप में लिखा हुआ है, मेरा नाम इमरान है। तो कहने का मकसद ये कि आपके Adobe के कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें आप उर्दू टाइप कर सकते हैं, लेकिन बशर्त है कि आप विंडोज़ में कुछ सेटिंग्स को पहले तो देख लें। नंबर वन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेटिंग्स में। अच्छा, मैं इस वक्त विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, आप 10 पर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लें अपनी सेटिंग्स में लैंग्वेज। एक सेकंड, मैं इस वक्त उर्दू मोड में हूँ, मैं ज़रा इसको इंग्लिश में ले आऊँ। लैंग्वेज सेटिंग्स, ठीक है जी, यहाँ पर आ जाए। नाउ लैंग्वेज सेटिंग्स में जैसे ही आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास कितने कीबोर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, या कितने कीबोर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपके पास यहाँ पर उर्दू नहीं आ रहा है तो यहाँ से ऐड लैंग्वेज करें और यहाँ से सर्च कर लें उर्दू, ठीक है। अब उर्दू भारत वाली भी आ रही है, उर्दू पाकिस्तान वाली भी आ रही है, ऐसा इतना बड़ा कोई डिफरेंस आई गेस नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते। सो देखें, अब जैसे ये वाली मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इस पर मैं आकर के इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट एक प्रॉब्लम है, जो इनका कीबोर्ड का लेआउट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको ये लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करना है। सो आप जाएं इस वेबसाइट पे, ये मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जा कर के उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड कर लें। नाउ फोनेटिक कीबोर्ड मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगेन जैसे ये डाउनलोड हो जाए, डबल क्लिक करें सेटअप पे, इंस्टॉल करें एंड यू आर गुड, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड भी आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़, जिस दौरान आप टाइप कर रहे होंगे उस दौरान आपने अगर चेंज करना है तो ऑल्ट शिफ्ट की मदद से, जैसे आप ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे आपको नीचे टास्क बार पर, अब मैं इस वक्त यहाँ पर ये स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता बिकॉज मेरी स्क्रीन बहुत लंबी है और वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, मेरा सेंटर वाला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो जैसे आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाते हैं तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नीचे जो जहाँ पे घड़ी आ रही होती है टास्क बार में, वहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको इंग्लिश का ENG लिखा हुआ दिख रहा होता है, उस पर अगर आप क्लिक करें तो आप वहीं पर एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा, वहाँ से आप अपनी उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जब आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तभी आप टाइप कर सकेंगे। तो ये तो हो गई जनरल सी चीज़ें जिस जो आप सब ने करनी है। अब सबसे पहले इलस्ट्रेटर में आ जाएं, उसको देख लें कि किस तरह से उसमें आपकी उर्दू आएगी। नाउ इसमें इस वक्त मैंने करंटली एक छोटा सा काम किया है। देखिए, मैं जब चाहूँ इसमें उर्दू टाइप कर सकता हूँ, जब चाहूँ इंग्लिश टाइप कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अपना कीबोर्ड इंग्लिश पे रख देता हूँ और दिस इज इंग्लिश, ठीक है, ये तो हो गया डन। और एक चीज़ इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट चल रहे होते हैं, लेकिन उर्दू में हमारा राइट से लेफ्ट चल रहा होता है। मैं बड़ा ईजीली यहाँ पर अगर मैं उर्दू करता हूँ और फिर मैं टाइप करना शुरू करता हूँ ना, सो देख रहे हैं आप, ये प्रॉपरली जोड़ के चला रहा। अब फॉन्ट्स वगैरह के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉन्ट्स वगैरह आप डाउनलोड कर लें, गूगल कर लें, बहुत सारे उर्दू फॉन्ट्स आपको अच्छे अच्छे से मिल जाएंगे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उर्दू लिखना कैसे। आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है समटाइम्स कि जब हम कॉपी पेस्ट भी करें या लिखना भी शुरू करें तो एक एक अल्फ़ाबेट ये तोड़ के दे रहा होता है। इस चीज़ का सोल्यूशन इलस्ट्रेटर में बड़ा सिंपल सा है। एडिट पर जाएँ, प्रेफरेंसेज में जाएँ, टाइप में चले जाएँ,
ठीक है जी, टाइप में जाएं और यहाँ पर आपके पास एक ये आ रहा होता है शो ईस्ट एशियन ऑप्शंस या शो इंडिक ऑप्शंस। ये इंडिक ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करना है एंड यू आर गुड, आपको कोई मसला नहीं होगा फिर इलस्ट्रेटर में टाइप करने का। लेकिन फोटोशॉप में कहानी और है। सो फोटोशॉप में अगर मैं जाता हूँ, कैरेक्टर पैनल खोल लें, ये अगर आपके पास नहीं खुला हुआ, आपने टाइप टूल लिया, यहाँ ऊपर देख रहे हैं ये बटन, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ जाना है ये जो मेन्यू दिया हुआ है, और इसमें नीचे आ जाए मिडिल ईस्टर्न फीचर्स, और यहाँ पर आप बता दें RTL अरबिक डिजिट। RTL इज राइट टू लेफ्ट, सही है, राइट टू लेफ्ट। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यू आर गुड। अब आप यहाँ पर भी उर्दू में टाइप कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपने अपनी विंडोज़ में कीबोर्ड उर्दू वाला सेलेक्ट किया हो। मैं सिंपली पाकिस्तान लिख रहा हूँ एंड दिस इज़ इट, एंड आप इसको बड़ा करें, छोटा करें, कहीं से कॉपी पेस्ट करें, कोई मसला नहीं रहेगा। प्रीमियर, सो अब प्रीमियर में जब आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप जाएं एडिट में, प्रेफरेंसेस में, एंड सीधा जाएंगे आप ग्राफिक्स में, ठीक है, यहाँ पर ग्राफिक्स में जाएंगे। और ग्राफिक्स में जाने के बाद आपने बताना है जी कि टेक्स्ट स्टाइलिंग, लिगेचर्स, हिंदी डिजिट्स, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट पैराग्राफ डायरेक्शन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऑल्दो यहाँ पर ये सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आप राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये ऑप्शनल है। इवन मैंने लेफ्ट टू राइट रखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं टाइप कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। दिस इज़ वेरी ईजी। अब आप इसमें नॉर्मल से सिंपल से टाइटल्स रखें, या आप क्रॉलिंग टेक्स्ट चलाएं, या आप स्क्रॉल करें, जो करना है आपने करें, कोई मसला नहीं होगा। आई होप आप लोगों का ये मसला तो सॉल्व हो गया होगा कि यार उर्दू किस तरह से, यकीन जाने आफ्टर इफेक्ट्स में भी कुछ इसी तरह से होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में कभी यूज़ नहीं किया और इस वक्त करंटली मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली अपनी सिस्टम फॉर्मेट किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यार लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है यार। थैंक यू।